बोला नहीं जा रहा है, एब्स निकल के बाहर आ रहे हैं, एब्स के वर्कआउट हैंग ऐसे करना है और हो सके तो इस तरीके से कर। या हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज करेंगे अपने एब्स के वर्कआउट और एब्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज रहेंगी वो आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आज फाड़ देंगे आपकी, क्योंकि मेरी फटेगी तो आप लोगों की फटेगी। और भाई इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हो कि भाई हम आपको रूटीन में ऐड करते हैं। यार रूटीन में ऐड करते हो क्योंकि जो अपनी एक्सरसाइजेस मैं करता हूँ आप लोगों के साथ करता हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी अच्छी और बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है, तो आप लोगों को भी सेम बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो चलो पहली जो अपनी एक्सरसाइज रहेगी इस पे करेंगे हैंगिंग, और हैंगिंग किस तरीके से करनी है वो बताऊंगा। 1 सेकंड के लिए होल्ड करना ही करना है, चाहे आप 10 रेपिटेशन मारो चाहे 8 रेपिटेशन मारो, पर हैंग जरूर करना है, होल्ड जरूर करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस वाली एक्सरसाइज में, यानी कि सारी एब्स की एक्सरसाइजेस में। तो चलो करके दिखाएंगे, थोड़ा सा इस पे हैंग करने में इश्यू रहता है मेरे को। चलो हैंग ऐसे करना है, स्ट्रेट रहेगी आपकी एब्स, स्ट्रेट रहेंगे आपके आर्म्स, और हो सके तो इस तरीके से कर लेना। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वाली एक्सरसाइज। आई नो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज्यादा पावर चाहिए आपकी स्ट्रेंथ के लिए। तो चलो मसल को कनेक्ट करना है, माइंड एकदम स्ट्रांग रखना है, कर सको तो कर लेना, अदरवाइज दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं, वेट डाउन करना। तो गाइज अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी लोअर एब्स को ट्रेन करने के लिए, उसमें करेंगे हम रिवर्स और फिल्टर किक, दोनों करेंगे। दोनों के 4-4 सेट्स लेने हैं और 15 रेपिटेशन लेने ईच एक्सरसाइज। तो करके देखना गाइज, इतनी लाजवाब और मजेदार एक्सरसाइज है कि फट के हाथ में आ जाएगी। और जिस मेरे भाई का लोअर बैक नहीं आता ना, ये करना, बाकी कसम एक नंबर आएगा। तो ऐसे आएगा, अभी मेरे इन ट्रांजिट है, आ रहे हैं, बट चलो किस तरीके से करना है, स्ट्रेट रहे एकदम स्ट्रेट, हाथों को इस तरीके से रख लें, रिवर्स करेंगे पहले, फिर उसके बाद किक करेंगे, यानी कि किक बैक करेंगे जी वाली। यहां पे आउट करना है, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ये हो गई हमारी रिवर्स। अब करेंगे इस पे फिल्टर किक दूसरी, ठीक है। 15-15 रेपिटेशन देने, ये नहीं कि मैंने 5 लिए तो आप भी 5 लोगे, नहीं, मैं आपको करने के लिए बता रहा हूं, मैं 15 नहीं मैं 30 भी ले सकता हूं, तो मेरी होल्ड मत करियो भाई, ज्यादा लेने की कोशिश करना, जितने ज्यादा कोशिश करोगे ना लेने की उतनी आपकी निकल के आएंगे, मैं ये कह रहा हूं बस। चलो फिल्टर किक करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, मैं थोड़ी तेज तेज कर रहा हूं। अब गाइस ये दोनों एक्सरसाइज ना एक साथ परफॉर्म करनी है हमेशा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रॉमिस करना कि एक साथ करेंगे, अदरवाइज मत करना, मैं बोल रहा हूँ करोगे ना तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे आपके लोअर एब्स पे। अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी आपके अपर को स्ट्रांग करने के लिए, अगर आपका अपर कोर स्ट्रांग है तो आपकी जो लिफ्टिंग पावर रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, बहुत अमेजिंग हो जाएगी और उसकी जो वॉल्यूम रहेगी वो और अच्छी हो जाएगी। तो चलो मैं अपना वॉल्यूम अच्छा करने के लिए, यानी कि अपर कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज करूंगा। रोप पे आप वेट कितना लगाओ अपने हिसाब से लगाना, जाके जिसमें आपको अच्छा खासा स्ट्रेच मिले और इफेक्ट अच्छे आए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और अच्छे से परफॉर्म कर पाओ स्टेबिलिटी के साथ। चलो मैंने इस पे कितने का 35 का वेट लगाया, ज्यादा नहीं लगाया। चलो इस तरीके से ले लेना, अपने हिप्स की हेल्प इस पे लेना, अटैच कर लेना अपने आपको, यहां पे रखना है और इस तरीके से आना है। यहां पे आपकी जो ब्रीद इन रहेगी, जब ऊपर जाओगे तो ब्रीद इन लेना है अपने, यहां पे ब्रीद आउट, यहां पे आके एब्स पे एक बार हिट करना है इस तरीके से, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, Boom. Yep. Fuck.
तो गाइस ये वाली एक्सरसाइज करना, फट के हाथ में आ जाएगी। मैंने मुश्किल से 7 से 8 रेपिटेशन करे। हाँ, और जितना स्लो करोगे, जितना अपनी मूवमेंट होल्ड करके और वेट को होल्ड करके रखोगे ना अपनी मसल पे, उतना ज्यादा ना आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एड ऑन करना जरूर मेरे कहने पे। चलो चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पे। गाइस अपनी जो चौथी एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे बिल्कुल एंड पॉइंट पे, यानी कि अपने इंक्लाइन बेंच पे। ये मैंने बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे कर लिया, इस तरीके से है इस वक्त। चलो अपने लोअर एब्स को ट्रेन करेंगे, बहुत खींचेगा इसे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच मिलेगा, एरिया मिलेगा स्ट्रेच करने का अपने लोअर एब्स को। किस तरीके से करेंगे, बहुत अच्छी बेनिफिशियल और हार्डकोर एक्सरसाइजेस बताई हैं आज आप लोगों को, करके देखना मजा आएगा। आज तक इजीली बताता रहा था क्योंकि मैं खुद भी इजी कर रहा था, तो गुरुजी ने बोला आज तेरी फाड़ देंगे, तो इस तरीके से ये करनी है। चलो वैसे यहां से होल्ड करना है, हिप्स टच करना है, आपका जो गैप रहेगा बैक और हिप्स के बीच में रहेगा हल्का सा, ताकि जब यहां पे लाने के बाद जब नीचे जाओगे तो हिप्स आपको हेल्प करेंगे स्ट्रेच करने में और स्टेबिलिटी बनाने में। चलो धीरे 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 धीरे, तो भाई ये वाली एक्सरसाइज करना। अभी मेरे 2 सेट हो रहे हैं इस पे करने के लिए, मारेंगे कम से कम 12 से 15 रेपिटेशन के मिड में रहने चाहिए। और आप लोग तो थोड़ा सा इसको डाउन ही कर देना, इतनी ज्यादा हार्डकोर पेनफुल एक्सरसाइज मत करना, क्योंकि शरीर टूटता है तो आराम मिलना चाहिए। मेरे को आराम मिलता नहीं है, और खाना जरूर मिलना चाहिए। एक्सरसाइज थोड़ी नॉर्मल कर लो, बट डाइट अच्छी रखो। बोला नहीं जा रहा है, एब्स निकल के बाहर आने वाले मुंह से आ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को गाइस ये वाली एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई हैं वो पसंद आए, और पसंद आए चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और जो जो एक्सरसाइजेस बताई हैं उस तरीके से परफॉर्म करना गाइस मजा आ जाएगा एक नंबर का, और जो इफेक्ट्स आएंगे वो तो एक नंबर आएंगे। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और मस्त रहें अच्छे खासे से, अच्छे खासे तरीके से। और देखो गाइस अभी तो आ रहा है, रिदम आ रहा है, फिर से कम बैक हो रहा है गेन का। चलो ठीक है, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।